हमारे एक मित्र हैं विनीत, वो इसी शू इंडस्ट्री में है। ही इज लाइक फैमिली, बलिया से हैं विनीत। तो विनीत से हमने कहा भाई आगरा जा रहे हैं, तुम तो आते रहते हो, तो हमें भी जूते बनते हुए देखना है। तो विनीत ने हमें अपने दोस्त विजय जी से मिलवाया और हम विजय जी की फैक्ट्री में आ गए हैं। तो वैसे तो सिद्धांत आपको डिटेल में पूरा प्रोसेस समझाएंगे, पर मुझे लगा कि थोड़ा मैं लल्लन टॉप के दर्शकों को सिद्धांत से पहले ही बता देता हूँ कि जूता कैसे बनता है। ये सोल बन रहा है, अब ये सोल का कंपाउंड है। ये कंपाउंड क्या बोलते हैं, सोल का दाना बोलते हैं, सोल का दाना है। ये दाना है, जरा थोड़ा ध्यान से। हाँ, ये क्या है, ये रबर, ये पीवीसी है। पीवीसी है, पॉलीविनाइल यहाँ से फॉपर में जाएगा, इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर जाएगा। तो ये हाइड्रोलिक मशीन, ये पहले इसका सिलेंड्रिकल बरम बैरल है, ये बैरल इसको इंजेक्ट करेगा आगे जाके। हाँ, जैसे आपने देखा और टैंकर एकदम वो कि ये हाइड्रोलिक प्रेशर से ऊपर जाएगा, पंप करेगा। ये जितने खांचे दिख रहे हैं आपको, ये गोल गोल घूम रहा है पूरा चक्का, इन सब खांचों के अंदर माल भरा हुआ है जिससे बनता है जूते में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सबसे नीचे की होती है, सोल। आपको बहुत सारे सोल बने दिख रहे हैं, आइए ऊपर और ऊपर आ जाइए। ये भाई साहब, सॉरी यार मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, क्या नाम है आपका? अजय। तो ये इसको खोल दूँ मैं, ऐसे खुलेगा? अच्छा, ऊपर से खुलेगा। ये एक सोल खोल के निकला, आप इसमें क्या करोगे? छेद मार रहे हैं उसमें ताकि एयर निकल जाए, हैं ये अजय बाबू में। और ये अब ये खुला, ये सब हटाते हैं जब पूरा कंप्लीट हो गया है। अब ये खाली है, अच्छा जी, और एयर निकाल दीजिए। फिर इसके बाद क्या बताएं, हमें यहाँ ढेर लगा है, नीचे देख के आना। ये वेस्ट मटेरियल है, ये भी बाद में इस्तेमाल हो जाता है। हमें विजय जी बता रहे थे कि 138 कंपोनेंट लगते हैं तब एक जूता बनता है। ये सोल यहाँ से क्या हो रहा है, ये जो एक्स्ट्रा फ्लेक है सोल के ऊपर, तो सोल के फ्लेक को ये काट रहे हैं। जैसे ये सोल है, इसके एक्स्ट्रा कर्वेचर में ऐसा फ्लेक लग जाता है, उसको काट देते हैं ताकि ये सिमेट्रिकल दिखे। थोड़ी चर्बी जरूरी होती है, हमारे घर में मक्कारी करो तो माता जी डांटते हुए कहती थी इसको बहुत चर्बी चढ़ गई है। सोल बनते हैं, अभी नीचे जूता बनते हुए भी दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सोल को कलर दिया जाना है, वो क्यों दिया जाता है? नीचे से सुंदर दिखे। ये तो नेचुरल कलर हो गया ना, उसका कलरिंग हो गई। ये देखो, उसको बोलते हैं टू टोन फिनिश। टू टोन, बढ़िया, नीचे से भी सुंदर दिखे जूता। रबर का और TPR का, रबर और TPR का सोल सबसे। तो हमने तो ये सुना था कि यहाँ पे लोग जो जूता बनाने वाली कंपनियां हैं, ये ढलान किस लिए है, सामान चढ़ाने के? ये नहीं, कोई सामान ऊपर से अगर नीचे किसी को करना है तो उनको प्रेशर कम लगे, आसानी से माल नीचे आ जाए। हाँ, वर्कर्स की सहूलियत के लिए, साइंस है, जो भी चीज, जो भी मशीन आपके काम को आसान बनाए। और ये इसलिए रखा है, यहाँ से पुलिस से बांध देते हैं, कुछ हैवी होगा तो चला देते हैं। हाँ, स्लाइड हो जाता है, लेस एफर्ट। तो अभी आइए जरी जी, आपके लिए देखते हैं कि कैसा जूता बनता है। जूता, सैंडल, सब चीज़ें यहाँ बनती हैं। तो भाई साहब, तो दुनिया भर की बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो बनवाती होंगी आपके जूता। जी, हम लोग अभी बिग बाजार के लिए, मैक्स के लिए, टाटा कंपनी के लिए। बट क्या बढ़िया आदमी है भाई, आपने तो बाबा साहब की फोटो बहुत बढ़िया। बाबा साहब तो आदरणीय है भाई साहब, बिल्कुल, उन्होंने देश को दिशा दिया। तो आप बहुत सारी कंपनियों के लिए जूते बनाते हो? जी, हम लोग मिंत्रा के लिए भी बनाते हैं, एक इंटरनेशनल ब्रांड है कार्लटन लंडन, हम उसके लिए भी बनाते हैं। अच्छा जी,
अब यहाँ क्या होगा, ये कटिंग प्रोसेस है, यहाँ पर जो लेदर होता है वो टैनरी से आया हमारे पास, उसके बाद इसकी यहाँ पर कटिंग होती है। क्या ऐसा बात है, जो टैनरी से पूरा बड़ा थान आता होगा लेदर का? हाँ, बल्क क्वांटिटी आती है, ये रखा हुआ है, ये सब टैनरी से आता है। इसमें क्वालिटी कैसे, सबसे अच्छा लेदर कौन सा है इसका? सबसे अंदर जो बाहर आपका कट रहा है काऊ लेदर, ये रहा काऊ लेदर, काऊ लेदर ये। क्या ये बहुत सॉफ्ट माना है? बहुत सॉफ्ट होता है ये, एरी है, मतलब आप अगर बिना इसको सॉक्स के भी पहन लेंगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, ये सॉफ्ट ऑन स्किन, सॉफ्ट ऑन ये वाला, इसको हम सेकंड स्किन के नाम से बेचते हैं। अच्छा ये बताओ, जैसे हमको कैसे पता चलेगी, आपको कैसे पता चलता है कि काऊ लेदर है, कोई गोली नहीं दे रहा? नहीं, उसके ग्रेन से पता चल जाता है, उसके गेज से पता चल जाता है। लेदर का होता है सॉफ्टी का, काऊ का, उसका गेज जो होता है 1.1 mm से लेके 1.4 mm होता है। गेज मतलब मोटाई, मोटाई कितने mm का है वो। हाँ, अगर गोट का होगा या शीप का होगा तो उसका जो गेज होगा वो 0.8 से लेके 0.9 से ऊपर होगा ही नहीं। तो टेंडी में इसको प्रोसेस करके ऐसी पूरी चीज बना के देते हैं, थान बना के देते हैं। ये जैसे कपड़े जैसे दिख रहे हैं, ये सब चमड़े के थान हैं? चमड़ा नहीं है, ये कपड़ा है जो जूते के नीचे लगता है कंफर्ट देने के लिए। अच्छा, ये मैश होती है आजकल, ये सब कपड़ा है, वो चमड़ा है, वो चमड़ा है आजकल सिंथेटिक लेदर का भी। ये क्या है? ये हील ग्रिप है, जो जूते के पीछे एड़ा लगता है, एड़ा, एड़ा बोलते हैं उसको, काउंटर, काउंटर बोलते हैं उसको, वो है। और स्टोर में कोई कारीगर भी नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा वैसे? वो काम नहीं, अपने मन से सामान उठा लिया, जो मन किया वो काट दिया, काट दिया तो प्रोसेस गलत हो जाएगा। ये कटिंग हो रही है जी, कटिंग हो रही है। कितने नंबर का बन रहा है योगेश जी, बताओ इधर आके। भाई साहब योगेश जी, 7 नंबर है, 7 नंबर। अच्छा, लिखा हुआ है 7 नंबर जेंट्स जूता, जेंट्स लेडीज में होता है कुछ? बिल्कुल अलग होगा। आगे दिखाइए जरा, कहाँ के रहने वाले हैं योगेश जी? आगरा से ही है। मतलब ये तो बिल्कुल हैंडीक्राफ्ट वाला मामला है ना, जूता बिल्कुल ट्रेडिशनल है, ये हाथ से बन रहा है जूता पूरा, कटिंग सब हाथ से हो रही है, जैसे मास्टर जी हमारे वो पतलून काटते हैं। हां बिल्कुल वही है, इनको भी मास्टर जी बोलते हैं क्या? जी हां, इनको मास्टर जी बोलते हैं। बढ़िया, कटिंग मास्टर जी, कटिंग मास्टर जी। अच्छा, ये जो बचे निकल रही है ये भी कहीं इस्तेमाल होती है जो यहाँ गिरता है? नहीं नहीं, ये इस छोटे छोटे कंपोनेंट्स जो होते हैं उनके काम में आ जाता है, जो बिल्कुल बच जाता है वो स्क्रैप हो जाता है। तो वो किस में जाता है फिर? ये फिर नगर निगम को हम दे देते हैं। नगर निगम क्या करता है? नगर निगम अपना उनका जो प्लांट है वहाँ पर उसको वो लोग यूज करते हैं। अच्छा, ये सब कटिंग चल रही है? ये बढ़िया, ये सिंथेटिक है, ये सिंथेटिक है। अच्छा, मतलब जूता खरीदे तो उसकी अंदर की लेयर चेक करें? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो काफ लेदर होगा? काफ लेदर होता है? काऊ लेदर, काफ लेदर अलग होता है, काफ अलग है, काफ मतलब बछड़ा। हाँ नहीं, वो तो पता है, तो उसकी ग्रेडिंग अलग होती है, उसकी ग्रेडिंग अलग है। तो ज्यादा अच्छा काऊ लेदर होता है काफ लेदर? काफ लेदर जो है बेसिकली जो बच्चों के जूते बनते हैं, हाँ, वो गोट, शीप और काफ में बनते हैं क्योंकि वो एक्स्ट्रा सॉफ्ट होते हैं। अच्छा, जो मेन शूज बनते हैं वो ज्यादातर काऊ में बनते हैं, और जो बूट्स बनते हैं वो बफ लेदर में बनते हैं। बफ मतलब बफेलो, बफेलो में। मेरे पास बूट्स मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे हो गई कटिंग, कटिंग यहाँ पर बनते हैं अपर। ये अपर मतलब जो ऊपर आता है, ऊपर का जो अपर है जिसपे जूता टिकता है, अभी ये उसकी जिसके ऊपर लेदर चढ़ेगी। नहीं, ये सिंथेटिक है, इसके हाँ, नीचे चढ़ेगी। मतलब लेदर तो ऊपर रहेगी ना, ये सिंथेटिक है। हाँ, लेदर होगा तो लेदर भी ऊपर रहेगा। अच्छा, ये सिंथेटिक का जूता तैयार, सिंथेटिक का जूता तैयार होगा। अच्छा, अभी इसकी ब्रीडिंग कर रहे हैं ताकि जो इसकी एजेस है उसको ये फोल्ड कर। ये सिंथेटिक है भाई साहब, अब तो मैं आपसे पूछ लिया करूंगा, ये जूता मैं खरीद रहा हूँ दुकान में, ये हम ही भेज देंगे आपको। अरे बड़ी मेहरबानी है आपकी, आपने कह दिया, बस भाव बहुत है। जी भाव नहीं पड़े, भेज देंगे, क्या बात है। तो अरे यार, खा लो खा लो यार, सॉरी भाई, आप खाना खा लो, अपना माफ़ी चाहते हैं। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, सैंडल बन रही है बहुत सारी, ये सैंडल बन रही है। ये कौन सा ब्रांड है? सीएल, ये कार्टन लंदन का ब्रांड है, इंग्लैंड का ब्रांड है। जी बिल्कुल, देखो जूता भी हम बना के भेजते हैं अंग्रेजों को। बढ़िया, ये इसकी हैंड स्टिचिंग हो गई है। हैंडीक्राफ्ट है, मैकेनाइज्ड यूनिट्स भी हैं वहाँ पर, सारा मशीन से काम होता है।
हमारा सारा हैंडीक्राफ्ट एसएसआई यूनिट है, हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, तो सारा हाथ का काम है। क्या बात है, देख रहे हैं जी, हाथ से सिल है ये। ये सब भी बनाते हो आप? जी, ये मिंत्रा का ब्रांड है। बढ़िया, चलिए जी, तो वहाँ पे वो हो गई। यहाँ क्या हो रहा है? ये लास्टिंग है, मतलब वो अपर वहाँ से बन के आया, जो अपर वहाँ से उन्होंने बनाया उसकी ये लोग लास्टिंग करते हैं, मतलब इस फर्मे पे चढ़ाते हैं, फर्मे पे चढ़ा देंगे, इस पे चढ़ाने के बाद इस हीटिंग चैम्बर में डाल देंगे। भाई साहब आ सकते हैं? चढ़ाया, ये चढ़ा रहे हैं, ये चढ़ाते हैं ऐसे करके, ये इसके नीचे पेपर बोर्ड लगा। चलो हम देख लेंगे, ये तो है भगवान विष्णु का नाम विष्णु है। अच्छा जी, क्या बात है, खींच खींच के पिटाई कर करके उसको उसके फ्रेम पे ले आए। कीलें कहाँ से निकल रही? अच्छा, कील वहाँ टिका रहे तब तक के लिए। हाँ, टेम्परेरी करते हैं उसको। ये तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रोसेस है, शेप इसी से तय हो रही है। कुछ इसी से तय होगी। तो ये फ्रेम के नंबर होते हैं सब इनके? जी, ये सब पे 7 नंबर लिखा हुआ है, इनके भी सब पे नंबर लिखा हुआ है। ये लास्ट का नाम है बोबलू। इसका नाम है? लास्ट शेप का नाम है बोबलू। बोबलू, ये किस डेट में बना वो तक लिखा हुआ है, और यहाँ पर साइज लिखा हुआ है। नहीं नहीं, यही लिखा होगा, ये लिखा है 9 नंबर। ये इस थर्मे पे बोबलू जूते बनते हैं 9 नंबर के, और डी मार्ट के लिए बनता है, डी मार्ट के लिए बनता है। अरे भाई साहब, इतना प्रचार मत करिए कि उनमें से किसी ने भी हमें इंडोर्स नहीं किया है। ये बना, आप इसमें भीतर डाल दिया, ये बनाने के बाद इसको शेप देने के लिए ये ऐसा हो जाएगा, ये हीटिंग चैम्बर में डाल देंगे आपको। अब ये कितनी देर ताप सहेंगे? 15 से 20 मिनट। ये गर्मी खाएंगे? गर्मी खाएंगे, शेप ले लेंगे जूते की। अच्छा, उस पर कस जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा है? ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। बढ़िया। फिर इसको करने से पहले एक प्रोसेस बीच में आपका देखना रह गया, एड़ा ठोकर दिखा कैसे डालते हैं। एड़ा ठोकर, ये इसके अंदर ये लोग डालते हैं, जिससे कि जो ये स्टिफनर बोलते हैं इसको, आप पीछे का सख्त होता है जो, तो जिससे कि पीछे की शेप ये बनी रहे। ये केमिकल में डिप करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, फिर इसको इसके अंदर ये लगा देंगे, जैसे वो बकरम डालते हैं। बकरम ही समझ लीजिए, ये पीछे की बकरम है, ये आगे की बकरम है। अच्छा जी, बढ़िया यार। ये तो मेरी ना बहुत, अब मैं अगली दफा जब जूता पहनूंगा तो मैं अतिरिक्त सम्मान के साथ पहनूंगा उन सब कारीगरों के लिए, जो इतनी मतलब उनको एक एक चीज हाथ से असेंबल की जा रही है। इसके बाद यहाँ पर पेस्टिंग हो जाती है लास्टिंग होने के बाद, मतलब इस पे अब नीचे सोल चिपकाया जाएगा। चिपकता कैसे? ऐसी मत लगा दिया जैसे? नहीं, जोड़िया नहीं है, हीटिंग से चिपकता होती है, ये हीट एक्टिवेटर है। पहले सोल इसमें डालते हैं, इसमें हीट लगा के ये चिपकाते हैं, फिर दब लगाते हैं, और फिर उसमें धर के दबा देते हैं। दबा एक करके दिखा दे, इसका ये प्रोसेस है, इसमें गरम करके चिपका दें इसे। हाँ, इसे सेट करने के बाद में दाब लगा देते हैं। चलो पास जाओ, जल्दी पास जाके देखते हो। चिपक गया। अरे सब नाम मिल गई है, पेस्टिंग डिपार्टमेंट है। क्या नाम है आपका? नीरज। वो लास्टिंग डिपार्टमेंट है, वो पैकिंग विभाग, पर बीच में एक वो भी है फिनिशिंग। फिनिशिंग है। आओ भाई, जरा जूते को फिनिश होते देखो। ये तो इसमें निशान लगे हुए हैं, इसको साफ करेंगे अभी क्लीनर से। ये केमिकल बाय प्रोडक्ट है पेट्रोलियम, इससे इसको ये साफ कर देंगे। साफ कर भैया, वो पॉलिश कर रहे हैं, वो पॉलिशिंग करेंगे, वो पासिंग और पैकिंग कर, पैसिंग करेंगे, फिर इसके अंदर सील लगा, क्या उसमें कागज आकर डालेंगे, वो सील लिप डालते हैं। अच्छा, वो नीचे वाला जो गुलगुला सा होता है, ब्रांडिंग होती है। अच्छा, ये तो गत्ता डालते हैं ऐसे, जो हम लोग निकालते हैं, इसको सॉक्स बोलते हैं जी। ये सॉक्स है ये जी। अच्छा, जब वो पूरा पॉलिश वॉलिश तो उसको अंदर डाल के फिर उसको भी एडहेसिव से चिपकाते हैं। एडहेसिव से चिपकाते हैं, कैसे चिपकाते हैं दिखा दे। बेटा
अच्छा ये इधर चिपक रहा है, ये तो जिसके हिस्से में आएगा उसको ज्यादा ही चिपका और मजबूत मिल गया, ये वाला सैंपल ज्यादा मजबूत हो गया। बढ़िया, चलिए अब ये बन गया जूता, हाँ चिपक गया। यूसी क्वालिटी चेक, क्वालिटी चेक करेंगे। क्या नाम है उस्ताद जी आपका? सतीश कुमार। सतीश, और ये पैसा भी यही लगाएंगे? तो कुछ बार कोडिंग यही करेंगे। अच्छा, वो जो स्कैन होता है सब होता है। जी। तो क्यूसी में कोई गड़बड़ होता है जूता तो आप गुस्से में फेंक भी देते हो, बेकार बना है निकालो इसको। हैं? गुस्सा तो नहीं करते हो? गुस्सा भी होता है कभी कभी। कभी कभी कहते क्या भाई यार पीस लेके आए, तो फिर अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होती है? ये जूता मान लीजिए गड़बड़ आ रहा है, आपको दिखा दो। ऐसा है हर जूते के अंदर नीचे कोडिंग है। हाँ। अब जैसे ये नंबर है, ये नंबर किसी एक कारीगर को दिया गया, 7 नंबर। जैसे हाँ। वो कारीगर बैठे ना। हाँ। अब ये 7 नंबर कारीगर, 3 नंबर कारीगर है, ये धर्मेंद्र का है। हाँ। अगर इसमें कमी मिली तो धर्मेंद्र पकड़ा जाएगा। ओहो। उसी के पास जाएगा भाई, ये तूने कैसे किया, ये तूने क्या किया। अरे यार ये तो बड़ा विजिलेंस है भाई, बढ़िया। तो फिर यहाँ बस पैक होके अब ये सीधा डिस्पैच होगा। चलिए, और फिर ये जूता पहुँचेगा आपके घर। तो अगली दफ़ा जब आप लोग जूता पहने तो याद रखिए कि कितने कारीगरों का कितना हुनर है जिससे होके ये जूता गुजरता है। और या आगरा आए तो कभी कोशिश भी करें इस प्रोसेस को देखने की जैसे हमने की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।